सो ये है डे थ्री मेरा मुल्की में सर्फिंग सेशन का। ये जो व्यू देख रहे हैं आप, सांभवी रिवर के साइड वाला व्यू है जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, स्टे कर रहे थे। काफ़ी अमेजिंग व्यू रहता है मॉर्निंग के टाइम और शांत इलाका रहता है, ऐसा बहुत ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, काफ़ी पीस क्वाइट रहता है। और अभी हम निकलते हैं फिर अपने सर्फिंग के लिए, 7-8 बजे के अंदर निकल जाते हैं हम लोग। सो वी आर गोइंग, कुछ लोग यहाँ पे कायकिंग भी सुबह सुबह करते हैं इस रिवर में, हमारा कायकिंग का प्लान है बट ये आज दोपहर के टाइम है तो हम लोग कायकिंग करने भी दोपहर में जाएंगे। सो अभी हम बीच पे आ गए हैं सर्फिंग के लिए रेडी, सारे अपने अपने बोट लेके, एंड दिस लुक्स वेरी नाइस। का टाइम आज वेव्स जो है काफ़ी रफ हैं, शायद अच्छा खासा आज एक्सरसाइज हो जाएगी। और हर दिन की तरह हमारा वार्म अप चालू हो जाता है बिफोर द सर्फिंग, और जो होता है कि रनिंग अक्रॉस द बीच। और ऐसे ही कुछ डे थ्री का भी सर्फिंग सेशन ख़त्म हुआ विद लॉट ऑफ फेल्योर एंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट। और अभी हम जा रहे हैं कायकिंग के लिए। ये ग्रुप में बहुत सारे लोग बिगनर्स थे मेरे तरह, सो इसीलिए कायकिंग के डूज एंड डोंट्स जानना भी बहुत ज़रूरत था जो हमारे कायकिंग के कोच ने हमें प्रोवाइड किया। And to right or left, parallel in the opposite direction. So you want to turn right. So हमारी ट्रिप अभी चालू हो गई है कायकिंग की, and it is 4:30. शायद 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। Everyone there is in the water. We'll start. Let me come. So ये मेरा दोस्त सुंदर है। जब भी हम लोग काइकिंग कर रहे थे इट वॉज टू डिफिकल्ट टू फिल्म ईच अदर, सो राइट नाउ ही इज़ ट्राइंग टू फिल्म मी। इनफैक्ट ही टुक सम ग्रेट शॉट ऑफ मी एज वेल एज आवर ग्रुप। और यहाँ पे मैं सेल्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कैमरे को स्टिक को पैरों के दोनों बीच में रख के। दिस वाज डिफ़िकल्ट बट इट वाज ग्रेट शॉट। आप देख पा रहे हैं साइड में नारियल के पेड़ हैं और काफ़ी अमेजिंग सनसेट है। और ये हमारा मिड पॉइंट था जहाँ पे हमने थोड़ा चिल किया, थोड़ा रेस्ट लिया क्योंकि लगातार पैडलिंग करते जा रहे थे। और यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स हमने पिया और कुछ फ्रूट्स थे जो हमने खाया। हाँ, नॉट टू फॉरगेट दिस इज ऑल्सो ए जंपिंग पॉइंट फॉर फ्यू ऑफ अस। यस यस यू कैन डू दैट ब्रो। सो अभी लोगों ने तो जंप कर लिया था बोट से और कूदने चले गए थे, बट गेटिंग इनटू द बोट वाज द टफेस्ट पार्ट। So they struggle, but finally they get into the boat somehow. Perfect. And it was great. And here you go. One more achiever. Done. Okay, great. Kayaking के time जो views थे वो completely mesmerizing थे, मतलब क्या ही बोलो यार। आप सनसेट है, साइड में नारियल के पेड़ हैं, एंड द व्यूज वेयर अमेजिंग, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा पाएगा, आप उसको खुद ही सिर्फ एक्सपीरियंस कर पाओगे। और जो हमारा ट्रिप था कायकिंग के वो काफ़ी टायरिंग था, सो इसीलिए और एक ब्रेक तो बनता ही था। तो आगे चल के हमारा और एक ब्रेक था, ब्रेक पॉइंट था,
जहाँ पे हमने 15-20 मिनट के आसपास रुका और थोड़ा सा स्नैक्स आइटम भी खाया। अभी हमारा स्नैक्स टाइम है। Having a watermelon in the snacks. So here the real struggle is just passing the fruits to one another. और ये हमारा था सनसेट पॉइंट कायकिंग का, जो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे पिक्चर्स भी कई लोगों ने लिए, सो इट वॉज ग्रेट। और ऐसा ही मेरा ख़त्म होता है डे 3 ऑफ सर्फिंग सेशन इन मुल्की।